नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल एडू इन्फो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपका क्लास 8 क्विज अभ्यास 11 से लेकर 17 सितंबर मैथ्स के। दोस्तों मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और दोस्तों अगर आपको इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फटाफट आंसर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ टिक करना। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मान निकालना था 2x/3+6, 3x/5+8। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आपको सॉल्व करना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपको जाएगा 2x/3 और +6 = 3x/5+8। तो ये वाले नंबर को दोस्तों आप यहाँ ले आइएगा और इसको यहाँ पे ले आइएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, और जब आपको जो आंसर आएगा वो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों आपको डेली इसी तरीके से आंसर हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप चाहें तो पहले ये वाला साइड का सॉल्व कर लें और दूसरे साइड ये वाला साइड का सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आपका 10 आ जाएगा। इसका दोस्तों आप 5 को जब 10 से भाग करोगे तो आपका 2 आएगा, यानी कि दोस्तों आपको 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा 4z-3, और यहाँ पे दोस्तों आपको 5 से इसको गुणा करना पड़ेगा 2z-1। इस तरीके से दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आपको दोस्तों यहाँ पे 3/8 आ जाएगा। इसका ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दोस्तों अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा। ये आपको 3/8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 200 के नोट दिए हुए हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको जो 50 के नोटों की कुछ यहाँ पे संख्या दी गई है, और कुल बोला गया कि हमारे पास 1850 रुपये थे। दोस्तों इसका जो हल है देखो कैसे करना। यहाँ पे दोस्तों जो आपके 200 के नोट है, आप मान लीजिए कि आपके पास 200 के जो नोट है x है, और 50 के नोट आपको बोला गया कि 200 से दुगने हैं और एक अधिक, यानी कि ये कितने जाएंगे 200 के दुगने, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x और एक अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और हमें जो कुल संख्या बोली है मतलब पैसे बोले कितने 1850 है। तो हमारी दोस्तों जो इक्वेशन बनेगी देखो कैसे बनेगी, x इंटू करो 200 से प्लस 50 2x+1 = 1850, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और दोस्तों जब इसको यहाँ पे आप हल करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारी जो है x की जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी 6 आएगी, यानी कि जो 200 के नोट हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे, और जो 50 के नोट हो जाएंगे कितने हो जाएंगे वो 2x+1, यानी कि 13 हो जाएंगे। तो आपका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखिए, यहाँ पे एक वाद विवाद प्रतियोगिता जिसमें 30 प्रतिभागी हैं, प्रत्येक विजेता को दोस्तों 1500 रुपये यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और जो उनमें से जीता नहीं उसको 550 रुपये दिए हैं। तो कुल यहाँ पे दोस्तों जो पैसे वितरित किए गए हैं वो आपके 22,200 रुपये वितरित किए गए हैं। तो हमें दोस्तों यहाँ पे विजेता की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पे आप इसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। इसका दोस्तों जो आपका आंसर आएगा वो आपका 6 आएगा, चौथा वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिए, एक मनीषा के पास 50 रुपये और 20 रुपये 100 रुपये के करेंसी के नोट की संख्या 5, 4, 3 अनुपात में है, उसके पास कुल 1200 रुपये हैं। तो मनीषा के पास 20, 50 और 100 के यहाँ पे कितने नोट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, जो 20 यहाँ पे जो हमें रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे जो अनुपात दिया ना कितना दिया, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे इसको, एक मिनट ये थोड़ा सा नीचे करता हूँ, हमें यहाँ पे दोस्तों इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो कि दोस्तों हमारी किस तरीके से बनेगी। हमने मान ली कि जो हमारा जो अनुपात है कितना हो जाएगा, 5x है, 4x है और 3x है, ठीक है। तो हमारे पास जो 20 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, और हमें दोस्तों यहाँ पे कुल रुपए दिए हुए 1200, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 5x को गुणा कर देंगे 20 से, ठीक है, उसमें जोड़ देंगे 4x को, जो फिर 4x को जो गुणा करेंगे 50 से, इसी तरीके से 3x को गुणा करेंगे 100 से। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी ऐसी बनेगी, यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके की हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों जब आप इसको हल करोगे तो जो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारे नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5x 4x 3x, यानी कि 5 × 5 × 2 = 10, 8, 6, यानी कि दोस्तों जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो आपका दोस्तों तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही दिया हुआ है। तो इसका दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपको 84 रुपये हो जाएगा। इसका दोस्तों जो पूरा डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको 2 संख्याएँ दी गई हैं जो कि आपकी 2:7 के रेशियो में दी है, और संख्या को योग आपको दिया 81। तो हमें पूछा गया है कि जो हमारी जो संख्या क्या क्या होंगी। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा +7x हो जाएगा, हमें दिया हुआ 81, यानी कि इस साइड कितना हो जाएगा आपका 9x,
इज इक्वल टू 81 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 2 में आएगी 18 और 9 सात 63, तो ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे हमें दिया हुआ है श्रुति के पास 40 चॉकलेट थी, उनमें से अपनी बहन को कुछ चॉकलेट दे दी और पाया कि शेष चॉकलेट और कुल चॉकलेट का यहाँ पे जो रेशियो 3:4 है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए जो कुल चॉकलेट थी वो आपकी 4:4x हो गई, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमें देखो रेशियो क्या दिया, आप इसको ध्यान से देखिएगा, शेष चॉकलेट यानी कि बची हुई चॉकलेट और कुल चॉकलेट यानी कि जो बची हुई चॉकलेट है कितनी है 3x है और कुल थी कितनी हमारे पास 4x है, मतलब उसने अपनी बहन को कितनी दी होंगी, x दी होंगी ना, एक यानी कि उसकी बहन को कितनी x चॉकलेट दी होंगी। और दोस्तों हमें क्या पता है कि जो 4x है किसके बराबर, क्योंकि 40 चॉकलेट थी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगी, यानी कि दोस्तों हमारे जो उसने बहन को जो चॉकलेट दी थी कितनी दी थी वो आपकी 10 दी थी। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी आपके लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।